हेलो 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 डियर स्टूडेंट मेक इट इज स्किल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बचाओ लेक्चर की सीरीज में बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों टेरेट लेथ सामान्यतः जब हम लेथ मशीन से हम पढ़ते हैं बच्चों तो हम सामान्यता कभी कभी जो है एक एक अलग टाइप की लेथ जो हमें सामान्यतः दिखने को नहीं मिलती अगर हम देखेंगे बच्चों सामान्यतः आईटीआई में आपको जो है वो सामान्यतः आपको नहीं दिखेगी हाँ मशीनिस्ट कोई ट्रेड है वहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड है या फिर टर्नर जहां पर ट्रेड है वहां पर मशीन स्टर्नर जहां पर हो वहां पर जो है आपको जो है ये मशीने आपको देखने को मिल सकती है इसके अलावा बच्चों बहुत सारी जो आपके एनएसटी आई है वहां पर जो आपको देखने के लिए मिल सकती है और बहुत बड़े बड़े जो आपकी वर्कशॉप होती है वहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन सामान्यतः छोटी वर्कशॉप में इस तरीके की जो लेथ मशीन है वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है तो बच्चों आ, डिस्कस कर लेते हैं कि टरट लेथ होता क्या है किसे बच्चों हम टरट लेथ कहते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपको दिख रहा होगा इसे डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों थोड़ा सा आ, हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में टरट लेथ ये होता बच्चों आपका टरट लेथ और टरट लेथ की अगर मैं बात करूं तो टरट लेथ क्या है बच्चों जो आपका सेंटर लेथ है उसका एक एडवांस वर्जन है उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा अटैचमेंट है जो आपके प्रोडक्शन को क्या बढ़ा आपके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं जैसे हम इंजन लेथ और स्पीड लेथ की बात करें या फिर हम सेंटर लेथ की अगर बात करें तो वो लो प्रोडक्शन लेथ है वहां पर प्रोडक्शन रेट जो होता है वो हाई नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं बच्चों कि सेंटर लेथ में सेंटर लेथ में आपको अगर अभी एक ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करने के बाद आपको दूसरा ऑपरेशन खोलना है एक ऑपरेशन करने के बाद आपको दूसरा ऑपरेशन करना है तो हो सकता है आपको टूल चेंज करना पड़े या आपको बच्चों अभी टर्निंग और सेंटर टर्निंग फेसिंग ऑपरेशन करना है उसके बाद हो सकता है आपको ड्रिलिंग टैपिंग या फिर और तरीके के जो और भी आपके जो ऑपरेशन जो है वो करने पड़ सकते हैं या फिर हो सकता है आपको नर्लिंग ऑपरेशन करना हो तो बच्चों होता क्या है कि ऐसे में हमें टूल चेंज करने होते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशन जो एक ही टूल से करना संभव नहीं है हर चीज के लिए हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड टूल टूल जो है वो बना होता है तो अगर हमें लेथ मशीन में एक ऑपरेशन में एक जॉब में बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं तो उस दौरान बच्चों टूल चेंज करने में बहुत ज्यादा जो है वो समय खर्च होता है थोड़ा सा समझिएगा बच्चों आप चीजों को समझिएगा एक मिनट थोड़ा सा चीजों को समझेगा कि क्यों टरट लेथ है क्या तो मैं यूं कहूं कि आपकी जो सेंटर लेथ होती है और इंजन लेथ होती है बच्चों कल मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया था सेंटर लेथ इंजन लेथ एक ही होता है आजकल जो प्रचलन में है वो सेंटर लेथ बोला जाता है पहले सेंटर लेथ पहले इंजन लेथ उसको इसलिए बोला जाता क्योंकि वहां पर जो पावर मिलती थी वो स्टीम इंजन से मिलती होगी या फिर दूसरे इंजन से उसको मिलती होगी इसलिए उसको क्या बोलते थे इंजन लेथ बोलते थे तो अगर आपसे कोई पूछे इंजन लेथ और सेंटर लेथ एक ही चीज है बच्चों इंजन लेथ पहले बोलते थे जब वो इंजन से चलती थी आजकल उसे क्या बोलते हैं सेंटर लेथ बोलते हैं क्लियर हो गया तो सेंटर लेथ का एक एडवांस वर्जन सेंटर लेथ की अगर मैं बात करूं तो लो प्रोडक्शन लेथ है उसमें प्रोडक्शन रेट ज्यादा नहीं है टाइम लगता है बच्चों उसमें जो प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है उसको एडवांस बनाने के लिए उसका एक अच्छा स्वरूप बनाने के लिए ताकि आपका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो सके इसके अलावा आपको हैवी जॉब पर भी काम कर सके तो बच्चों उसके लिए जो है लेथ को एडवांस वर्जन या फिर उसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट बनाया फॉर एग्जाम्पल बना -क्या बनाया, बनाया, तो बच्चों कि आपके सेंटर लेथ है और अलग अलग आपको ऑपरेशन करने हैं वहां पर तो हमें है कि हमें टूल चेंज करने होते हैं लेकिन अगर कुछ वहां पर ऐसे टूल होल्डर लगा दिए जाए कि उस टूल में चार पांच छ सात आठ या फिर मैं कहूं बारह टूल एक साथ जो है फिक्स हो जाए और जिस ऑपरेशन की जरूरत है जिस टूल की जरूरत है वो एकदम आए और अपना ऑपरेशन करके जो है वापस चला जाए, जाए मैं कहूं कि जिसकी मुझको जरूरत है वो अपना ऑपरेशन जो है उस टाइम पर काम करके जो है साइड में हो जाए फिर दूसरा टूल जो है आए और फिर अपना ऑपरेशन करके जो है साइड में हो जाए तो बच्चों अगर ऐसी ऑटोमेटिक चीजें अगर होगी इसको इंडेक्सिंग कहते हैं इसको इंडेक्सिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जहां पर आपका जॉब घूम रहा है उसी के पास में मैंने कुछ ऐसा टूल होल्डर लगा दिया ऐसे टूल होल्डर बना दिया ऐसा टूल का सेटअप बना दिया जिसमें अलग-अलग टूल -अलग जो है फिट हो सकते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम में अपना जो है आएंगे जब उसको जरूरत होगी वो अपना ऑपरेशन करेगा और वापस हो जाएगा उसके बाद दूसरा आएगा वो अपना ऑपरेशन करेगा और वापस हो जाएगा जैसे मिलिंग कटर में जैसे मिलिंग में भी होते हैं बच्चों इंडेक्सिंग होती जब है जब हम गियर टूथ काटते हैं जब हम गियर काटते हैं गियर सपोज पहले ब्लैंक होता है उसमें जब दांते काटते हैं तो अपने आप स्पेसिंग होती है अपने आप आगे बढ़ता है यहां पर काटा है उसने क्योंकि मिलिंग कटर तो अपनी जगह रोटेट कर रहा है मिलिंग कटर अपनी जगह रोटेट कर रहा है लेकिन उसको आगे बढ़ेगा अब कितना आगे बढ़ाना वो

तो बड़े जॉब पर भी मैं इसमें काम कर सकता हूं इसके अलावा इसकी पावर को अगर मैं बढ़ा दूं तो ऑब्वियस बात है पावर वहां पर अगर बढ़ जाएगी तो बड़े जॉब पर मैं काम कर सकता हूं तो कुल मिलाकर अगर मास प्रोडक्शन अगर मुझे करना है सेमी ऑटोमेटिक लेथ मुझे थोड़ी बनानी पड़ेगी थोड़ा एडवांस वर्जन बनाना पड़ेगा और वही एडवांस वर्जन जो है वो क्या है आपका उसको कहता हूं बच्चों टरट लेथ अब ध्यान से सुनना बच्चों टरट लेथ जो है वो दो टाइप की होती है दो टाइप की एक होती है रैम टाइप ध्यान से और एक होती है बच्चों आपकी सेडल टाइप इसको बोलूंगा मैं टाइप। और इसको बोलूंगा बच्चों में सेडल टाइप अब देखिए बहुत आसानी से आप चीज समझ जाओगे बहुत आसानी से आप रैम टाइप में क्या होता है अगर आपने लेथ मशीन्स अगर देखी होगी बच्चों अगर लेथ मशीन्स आपने देखी होगी तो बेड होता है आपने सबको पता होगा बच्चों आपका बेड होता है बेड के ऊपर क्या होता है आपका बेड पर क्या लगाता होता है आपका ऊपर जो स्लाइड होता है वो क्या होता है आपका सटल होता है ध्यान से सुनना बच्चों अगर लेथ मशीन के ऊपर बेड है और बेड के ऊपर सेडल है सेटल तो होगा ही सैडल के ऊपर अगर मेरा क्या है एक रैम लगी है सेडल के ऊपर एक रैम लगी है तो उसको मैं बोलता हूं रैम टाइप टरट लेथ और अगर रैम नहीं है उस पर जो टूल पोस्ट में रखूंगा अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा वो सीधे डायरेक्ट सेडल के ऊपर रख रहा हूं मतलब सैडल के ऊपर रैम नहीं है तो उसको मैंने बोल दिया सेडल टाइप अब वो क्या चीज है जो इसके ऊपर रखी जाती है चाहे मैं रैम के ऊपर बोलूं या फिर सैडल टाइप उसको बोलते हैं बच्चों टरट टर्ट क्या है टर्ट कुछ नहीं है टर्ट है बच्चों एक हेक्सागोनल टूल पोस्ट मतलब एक टूल पोस्ट है जिसमें मिनिमम कम से कम 6 टूल होल्डर होते हैं हेक्सागोनल टूल पोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों आपका कि जो टर्ट लेयर होती है टर्ट लेयर जो आपकी होती है इसमें आपका टेल स्टॉक नहीं होता टेल स्टॉक नहीं होता तो फिर क्या होता है इसमें हेक्सागोनल टूल पोस्ट कम से कम हेक्सागोनल होता है कम से कम उससे ऊपर भी हो सकता है टूल पोस्ट होता है किसकी जगह टेल स्टॉक की जगह और टेल स्टॉक नहीं होता है क्योंकि टेल स्टॉक तो आपका पूरी बेड के ऊपर होता था बेड वे लेकिन यहां पर जो ये हेक्सागोनल टूल पोस्ट होगा ये किसके ऊपर होगा या तो रैम के ऊपर होगा और रैम किसके ऊपर होगी सडल के ऊपर या फिर डायरेक्ट सडल के ऊपर होगा अब देखो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अब हेक्सागोनल टूल पोस्ट जो होता है इसी हेक्सागोनल इसी हेक्सागोनल टूल पोस्ट को हम क्या कहते हैं टरट कहते हैं सब कुछ भूल जाओ जितना मैंने बताया मैंने यह कहा कि साहब आपकी जो सेंटर लेथ होती है उससे आप टेल स्टॉक निकाल दो टेल स्टॉक निकालने के बाद आप उसका जो कैरीज वाला पोर्शन था जो ऊपर टूल पोस्ट था उनको भी हटा दो टूल पोस्ट के जगह क्या आपका क्या लगोगे आपका क्रॉस एक क्रॉस टूल पोस्ट रखो क्रॉस स्लाइड टूल पोस्ट हम रख सकते हैं जो आपका आ, जिसमें चार टूल जो है फिक्स हो सकते हैं इसके अलावा आप सैडल के ऊपर सीधे एक रैम फिट कर दो टेल स्टॉक आपने हटा दिया सैडल के ऊपर जो है आपने क्या कर दिया सैडल के ऊपर बच्चों आपने क्या कर दिया सैडल के ऊपर आपने, आपने सीधे जो है टेल स्टॉक की जगह टेल स्टॉक वाले पोर्शन में आपने क्या किया सैडल के ऊपर डायरेक्ट एक रैम फिट कर दी रैम और रैम क्या करेगी स्लाइड करेगी स्लाइड करेगी वेड वेस्ट पे उस पर आपके सडल के ऊपर और उस रैम के ऊपर अगर मैं हेक्सागोनल टूल पोस्ट लगा दूं तो मैं उसको कहता हूं रैम टाइप और रैम टाइप में क्या होता है रैम टाइप में क्या होता है रैम टाइप टरट लेद में हेक्सागोनल टूल टरट इसको मैं टरट लिख देता हूं और जब भी टरट का मतलब क्या होता है हेक्सागोनल टूल पोस्ट होगा बच्चों जिसमें टूल रखा जाता है रैम टाइप टरट लेते तो मैं टरट रैम के ऊपर होता है रैम के ऊपर स्लाइड होता है एवं रैम एवं रैम कहां पर होती है आपका रैम सेडल के ऊपर होती है एवं रैम सेडल के ऊपर होती है या मैं यूं कहूं बच्चों इसको अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि रैम टाइप जो टरट लेद होती है उसमें हेक्सागोनल टूल पोस्ट जिसको मैंने यहां पर क्या कहा टरट कहा और टरट और सैडल के बीच एक इंटरमीडिएट स्लाइड होती है मतलब बीच की एक स्लाइड होती है जिसको मैंने क्या बोला जिसको मैंने क्या बोला रैम बोल दिया और इस तरीके की जो लेथ होती है किस तरीके की लेथ रैम टाइप लेथ या इस तरीके की लेथ इसको क्या कहा जाता है इसको ही मैं क्या बोलता हूं कैपेस्टन लेथ इसको ही क्या बोलता हूं मैं कैपेस्टन लेथ क्लियर हो गया अब देखिए अब देखिए क्या होता है बच्चों कैपेस्टन जो लेथ होती है चलो आ, आपका जो डिफरेंस है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा पहले समझ लीजिए क्या अंतर है बेसिक अंतर क्या होगी सिंपल टेलीस्टॉक स्टॉक नहीं होगा इसमें और इसमें अंतर समझिए आप लेथ सिंपल एक जैसी है दोनों जो है एक जैसी है अंतर क्या है एक में इंटरमीडिएट स्लाइड है मतलब सेडल और टरट के बीच में एक स्लाइड है एक में नहीं है तो यहां पर नहीं है बच्चों कहां पर नहीं है यहां पर नहीं है कहां पर यहां पर मतलब सेडल टाइप सेडल टाइप टरट लेथ में टरट टरट मतलब हेक्सागोनल टूल पोस्ट टरट का मतलब हेक्सागोनल टूल पोस्ट हेक्सागोनल सट बुझाकार एक टूल पोस्ट जिसको मैंने क्या बोलता हूं टरट सीधे सैडल के ऊपर स्लाइड होता है लो जी क्या बोल रहा है ये कि अगर आपका हेक्सागोनल टूल पोस्ट हमने पता है, है हमने टेल स्टॉक हटा दिया है टेल स्टॉक इसमें होता ही नहीं है टेल स्टॉक की जगह हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहां पर क्या लगा रहे हैं हेक्सागोनल टूल पोस्ट एक ऐसा टूल पोस्ट जिसमें एक साथ टूल फिट हो सकते हैं वो और वो हेक्सागोनल भी हो सकता है वो ऑक्टागोनल भी हो सकता है लेकिन बोलेंगे उसको टरट ही मतलब जिसमें मिनिमम छ या छह से ज्यादा टूल पो टूल एक साथ फिट हो सकते हैं ऐसे टूल पोस्ट को हम क्या बोलते हैं टरट बोलते हैं तो टरट अगर सीधे सेडल के ऊपर फिट हो रहा है या स्लाइड हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा सेडल टाइप टरट लेथ और इसी को इसी को एक दूसरे एक नाम से जानते हैं क्या इसको इसको सीधे टरट लेथ भी कहते हैं इसको सीधे ट्रट बट भी कहते हैं इतनी बात मेरी क्लियर हो गई तो मेन बेसिक अंतर जो है और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि साहब कैपिस्टल लेथ में आपका जो टूल पोस्ट होता है वो किसके ऊपर रहता है रैम के ऊपर सैडल के ऊपर या फिर इन दोनों के बीच में या इनमें से कहीं नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि रैम रैम कैपिस्टन लेथ में जो आपका uh, Hexagonal Tool Post या उसको टरट भी, टरट भी कहते हैं, वो जो आपका फिट होता है हो, स्लाइड होता है हो, किसके ऊपर होता है आपका रैम के ऊपर अब ये देखिए बच्चों रैम टाइप जो कैपिस्टन लेथ मतलब कैपिस्टन लेथ जो होती है जिसको रैम टाइप टर्ट लेथ भी कहते हैं ये बहुत बड़े जॉबों के लिए नहीं होता है ये मीडियम साइज वर्क के लिए होता है मीडियम जॉब जो होते हैं आपके उनके लिए होता है ठीक और मीडियम जॉब पे छोटे जॉबों पर काम करना है तो उसके लिए मुझे सैडल का मूवमेंट ज्यादा नहीं चाहिए होता है ये छोटे साइज के वर्क पीस पर अच्छे तरीके से काम हो जाए उसके हिसाब से डिजाइन की जाती है तो छोटे अगर वर्क जॉब पर मुझे काम करना है तो मुझे पूरा का पूरा सैडल नहीं घुमाना है उसे पूरे शटल के ऊपर एक रैम घूम रही है एक रैम स्लाइड हो रही है मैं उस रैम को स्लाइड करूंगा और उस स्लाइड करने से मेरा काम जो है हो जाएगा इतनी बात क्लियर होगी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर यहां पर हेक्सागोनल टूल पोस्ट या फिर मैं कहूं जो टरट होता है वो पूरी बेड लेंथ पर नहीं यहां देखो बच्चों मैं इसमें दिखाता हूं आपको

यहां पर टेल स्टॉक नहीं है वो तो मैंने पहले ही कहा था तो टेल स्टॉक की जगह फिर क्या है तो टेल स्टॉक की जगह क्या है बच्चों ये टूल पोस्ट है हेक्सागोनल टूल पोस्ट जो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो है टूल जो है अपना मूवमेंट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं बात करूं या इसको ऐसा मैं कर देता हूं ठीक ये देखिए बच्चों ये है कैबिस्टन लेथ अब ये देखो हेक्सागोनल टूल पोस्ट का मतलब क्या है ये देखो एक टूल पोस्ट टूल पोस्ट का मतलब क्या होता है जिसमें टूल फोर्स फिट होता है तो एक टूल यहां पर फिट हो रहा है एक यहां पर हो रहा है दिख रहा है हेक्सागोनल नट टाइप का एक यहां पर हो रहा है 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 हो रहा है तो छह टूल तो ये फिट हो गया साहब अब अगर इसका फ्रंट व्यू देखें आप तो ये हेक्सागोनल टूल पोस्ट है ये क्या है हेक्सागोनल टूल पोस्ट अब ये क्या है ये है सैडल क्या ये डायरेक्ट सैडल के ऊपर फिट है नहीं बच्चों ये सैडल के ऊपर क्या है सेडल के ऊपर क्या है ये आपकी रैम है सडल के ऊपर क्या है रैम है और रैम के ऊपर ये फिट है। Saddle के ऊपर रैम है रैम के ऊपर क्या है ये क्या है? टरट. और को टरट क्या बोलते हैं हम ये क्या है आपका हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल टूल पोस्ट जिसमें छह या छह से ऊपर टूल एक साथ फिट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे उसको कहते हैं टरट कहते हैं अब ये था ये किसके बदले है ये जो पार्ट है किसके बदले है आपका के बदले अब बीच में आपको दिख रहा होगा क्रॉस दिख में आपको दिख रहा होगा क्रॉस क्रॉसलाइट यहां पर बच्चों जो टूल पोस्ट होता है टूल पोस्ट जो होता है ठीक उसको हटा दिया जाता है और यहां पर क्या लगाया जाता है स्क्वायर टूल पोस्ट यहां पर क्या लगाया जाता है स्क्वायर यहां पर क्या लगा दिया जाता है स्क्वायर टूल पोस्ट स्क्वायर का मतलब चार टूल यहां पर भी फिट हो सकते हैं स्क्वायर का मतलब चार टूल यहां पर भी फिट हो सकते हैं और इसके अलावा इसके रियर पीछे क्योंकि स्लाइड है ना ये क्रॉस स्लाइड है क्रॉस में अगर काम करना है क्रॉस में अगर काम करना है सपोज फेसिंग करनी है तो क्या यूज करेंगे हम यही स्क्वायर टूल पोस्ट में जो है टूल लगाएंगे और यहीं से जो हम काम करेंगे अगर आपको लेंथ के पर काम करना है जॉब के लेंथ में काम करना है तो आप किसको काम करेंगे टरट, लेथ से, टरट से काम करेंगे टरट का मूवमेंट पूरे बेड में नहीं होता इंपॉर्टेंट चीज कैपेस्टन लेथ में टरट का जो मूवमेंट होता है वो पूरी बेड पे नहीं होता है अलोंग पूरी बेड पे नहीं होगा कितना होगा जितनी आपकी रैम होगी यहां पर हम सैडल पर नहीं छेड़ते सैडल को नहीं घुमाते केवल रैम पर को घुमाते हैं रैम को स्लाइड करके इधर उधर करते हैं तो जितनी रैम जितनी लेंथ रैम की होगी उतना ही पार्ट जो है आपका ये कौन सा टरट जो है इधर उधर हो सकता है तभी तो क्या छोटे कार्यों के लिए है पूरे बेड पर इसको जो है मुझे नहीं चलाना इतनी मेरी जरूरत ही नहीं है छोटे जॉब पे काम करना इसीलिए इसको रैम के ऊपर फिट किया तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से और क्या निकल के आई कि साहब यहां पर जो टरट फिट होता है वो पूरी बेड पे स्लाइड नहीं होता कहां पर कितना होता है जितने केवल रैम के ऊपर जितनी रैम है जितनी लंबी मेरी रैम है उस पर ही क्या होता है आपका स्लाइड होता है अब यह लगा लो टूल यहां पर लगे थे बच्चों छह टूल यहां पर लगे थे ठीक और ऊपर से अगर देखूं तो एक छह चार टूल यहां पर लग रहे हैं ठीक और दो टूल कहीं यहां पर लग जाए पीछे की तरफ तो कितने हो गए छह चार दस ग्यारह बारह या फिर और दो और लग सके तो बारह तेरह चौदह टूल बारह तेरह चौदह टूल अगर लेथ मशीन में एक साथ फिट हो जाए तो इसका मतलब 12, 13, चौदह ऑपरेशन बिना लेथ मशीन को रोके बिना टूल को चेंज किए हुए मैं कर सकता हूं तो बात है बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ मशीन मेरी रुकी नहीं सारे टूल मेरे फिट है और तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा ऑबिय बात है घटेगा मशीन को नहीं रोकना पड़ेगा चाहे मुझे क्रॉस में काम करना है चाहे जॉब के लेंथ में काम करना है सारे के सारे जो टूल है मेरे वो पहले से फिट है और जॉब एक बार डालो फिर वो बाहर जो है वो पूरा जो है सारे ऑपरेशन जो होके जो है तभी वो बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन के लिए ये जो लेथ मशीन है किसके लिए यूज की जाती है बच्चों ये हाई प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है इतनी बात क्लियर होगी तो ये थी बच्चों आपकी कैपेस्टन लेथ क्या थी आपकी

ये क्या है यहां पर ये आपका टरट है ये टरट है ये टरट है ठीक ये रैम है क्लियर होगी और ये क्या है ये बच्चों ये क्या है ये सडल है तो इसको मैं घुमाऊंगा तो रैम मेरी इधर उधर होगी अब रैम इधर उधर होगी रैम इधर उधर होगी तो कितना जितनी लंबी मेरी रैम है उतना ही टूल जो है इधर उधर जा पाएगा क्लियर हो गया क्लियर हो गया ठीक अब आते हैं बच्चों हम किस में अब आते हैं हम अब आते हैं हम टरट लेथ में ये देखो ये बच्चों टरट लेथ ये टरट लेथ का फ्रंट व्यू है और ये टरट लेथ का टॉप व्यू है मैंने कहा था अगर आप वहां पर देखोगे बच्चों तो वहां पर आप देखोगे कि ये सेडल है ये पार्ट क्या है ये सेडल है और ये क्या है टरट है टरट का मतलब हेक्सागोनल टूल पोस्ट या एक्टागोनल पुस्ट पोस्ट मतलब टरट समझ रहे हो ना बच्चों आप टरट का मतलब ऐसा टूल पोस्ट जिसमें कम से कम छह टूल एक साथ फिट हो जाए और एक साथ हम उनसे काम ले सके ठीक तो यहां पर आप एक चीज यहां पर यह देख रहे होंगे बच्चों कि यहां पर सेडल और टरट के बीच कुछ नहीं है मतलब इंटरमीडिएट स्लाइड नहीं है बीच की कोई नहीं है ठीक तो ऐसी ये लेथ जो होती है ये लेथ जो होती है बच्चों ये लेथ जो होती है आपकी ये लेथ आपकी आ, लार्ज जॉब पर काम अगर करना है बड़े जॉब पर अगर काम करना है बड़े साइज के जॉब पर अगर काम करना है तो वहां पर यह जरूरत पड़ती है क्योंकि बड़े साइज पर जब काम करना होता है तो मुझे पूरा सेडल जो है वो घुमाना होता है ठीक तो यहां पर यहां पर जो सेडल है या फिर मैं कहूं यहां पर जो टरट है वो पूरे बेड पर जो है वो घूम सकता है पूरे बेड पर स्लाइड हो सकता है क्यों क्योंकि सेडल के ऊपर डायरेक्ट फीड है और सेडल जो है सडल का मूवमेंट जो है पूरे बेड पर हो सकता है लेकिन वहां पर शटल के ऊपर क्या फिट था रैम और रैम जितना शटल के ऊपर स्लाइड होगा उतना ही जो है मेरा टूल पोर्स जो है वो स्लाइड कर सकता है लेकिन यहां पर टरट जो है वो पूरे बेड पर अलोंग लेंथ पूरी लेंथ के ऊपर जो है वो स्लाइड कर सकता है लार्ज वर्कपीस पर काम करने के लिए बड़े साइज के वर्कपीस पर काम करने के लिए ये यूज किए जाते हैं अच्छा इसके अलावा इस लेथ का जो साइज होता है वो कैपिस्टन लेथ का जो साइज होता है उसकी अपेक्षा बड़ा होता है पावर जो इस पर यहां पर होती है पावर जो यहां पर हाई आ, आ, मैं अगर कहूं कि यहां पर जो आ, मोटर यूज होती है पावर के लिए जो मोटर यूज होती है वो भी आपका क्या होती है ज्यादा पावर की होती है बड़े साइज के जॉब को काम करना है बड़े साइज के जॉब को घुमाना है उस पर काम होना है तो ऑब्वियस बात है इसका साइज भी बड़ा होगा पावर भी यहां पर ज्यादा लगेगी इसके अलावा बड़े साइज के वर्क पीस पर, पर आसानी से काम कर सकता हूं क्लियर हो गया ठीक बाकी चीजें अगर आप देख रहे हो बाकी चीज जो है वो लगभग आपका सेम है लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि साइज डर लेथ का बड़ा होता है पावर भी आपका कंज्यूम ज्यादा कहां पर कहां पर जरूरत पड़ती है टरट लेथ में पड़ती है लेकिन छोटे कार्यों पर काम करना है एकट अगर काम करना है क्योंकि जितना बड़ा जॉब पर मुझे काम करना उतना एक मुझे नहीं मिल पाएगी तो अगर बात करूं आ, कि अगर मैं बात करूं कि बहुत एक तो बहुत आ, अगर छोटे जॉब पर अगर काम करना एकटली अगर काम करना है तो मैं कौन से इस्तेमाल करता हूं आपका कैपेसिटल लेथ वहां पर इस्तेमाल करूंगा क्लियर हो गया ठीक इसका डायग्राम अगर देखना बच्चों तो इस तरीके से आप देख सकते हो ट्रटलेट जो है कितनी बड़ी होती है आपको दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे बच्चों देखिए देखिए कितनी बड़ी है ठीक ये इसका हेक्सागोनल टूल पोस्ट थीक? ये वर्टिकल एक्सिस पर जो है ये घूमता है ठीक इस पर टूल फिट होते हैं अपना टूल ने काम किया तो फिर वापस घूम गया उसने काम किया दूसरे टूल ने तो वापस घूम गया देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं भी ट्वेल स्टॉक नहीं है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि साहब जो आपकी टर्ट है, है? है, है उसके अलावा बच्चों यहाँ पर चेजर चेजर से थ्रेड कटिंग नहीं की जा सकती और चेजर क्या होता है थ्रेड कटिंग टूल होता है तो थ्रेड कटिंग टूल जिसको कहते हैं चेजर उससे यहां पर जो है किसमें कैपस्टन लेथ और टर्ट लेथ में जो है थ्रेड नहीं काटे जा सकते चेजर से अगर यहाँ पर आपको थ्रेड काटने भी है तो यहां पर आपको डाई और टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि कहाँ पर टर्ट में फिट होंगे लेकिन चेजर से यहाँ पर आपका थ्रेड कटिंग नहीं हो सकती है अगर चेजर से आपको थ्रेड कटिंग करनी है तो उसके लिए सेंटर लेथ पे ही आपको काम करना होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्विंग ऑफ डिस्टेंस किया जाता है, है, तो है, है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो वो डिसाइड किया जाता है इसके अलावा और भी पैरामीटर है इसके अलावा बच्चों और भी पैरामीटर है वो मैं आपको बता देता हूं इसके अलावा और भी पैरामीटर है बहुत पैरामीटर है उसको मैं बता देता हूं आपको ये बच्चों साइज ऑफ लेथ कैसे डिफाइन मैं करूंगा कि कितनी बड़ी लेथ का साइज कैसे है कैसे डिफाइन करूं कैसे मुझे पता लगेगा कि भाई इस लेथ का साइज जो है वो क्या है क्या वो पैरामीटर है जो डिसाइड करते हैं कि इस लेथ मशीन का क्या साइज होगा कि साहब आपके लेथ में मशीन आपके जो जो वर्कशॉप में जो लेथ है वो इस ये साइज है तो क्या क्या चीजें जो है लेथ का साइज या लेथ के स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करता है या अगर आप लेथ मशीन को कभी खरीदने जाए मार्केट में तो आप क्या बोलोगे कि साहब मुझे लेथ मशीन चाहिए तो वो बोलेगा साहब कौन सी लेथ मशीन क्या आपके पैरामीटर है तो आप देखोगे कितनी हैवी चीज आपको कितना जॉब बड़ा जो जॉब है कितना मोटा डायमीटर या कितना आ, लार्ज डायमीटर का जो जॉब है आपको उसको रोटेट कराना या आप देखोगे बेड की लेंथ कितनी है तो बहुत सारे पैरामीटर है जो साइज ऑफ लेथ को जो है डिफाइन करते हैं तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं बच्चों तो स्पेसिफिकेशन बात करूं तो कौन कौन डिसाइड करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों स्विंग ऑफ डिस्टेंस और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है स्विंग या स्विंग ऑफ डिस्टेंस स्विंग या स्विंग ऑफ डिस्टेंस स्विंग ऑफ डिस्टेंस या कभी स्विंग भी कहा जाता है ओनली ये क्या होता है बच्चों ये मुझे बताता है कि कितना लार्ज डायमीटर कितने बड़े डायमीटर का जॉब मैं उस लेथ पर रोटेट करवा सकता हूं मतलब कितना बड़े या फिर कितने लार्ज डायमीटर के जॉब पर मैं इस लेथ मशीन पर काम कर सकता हूं यह क्या ये, ये क्या होगा उसका स्विंग तो जब भी हम लेथ मशीन खरीदने जाएं, हम उसका स्विंग जरूर चेक देख करते हैं स्विंग होता है कि साहब इतना लार्ज डायमीटर इतने बड़े ब्यास का जॉब जो है इतने बड़े ब्यास का वर्कपीस जो है मैं इस पर रोटेट करवा सकता हूं और काम कर सकता हूं उसको बोलते हैं स्विंग या स्विंग या ऑफ डिस्टेंस अब ये कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला निकाला जाता जाता है है बेड जो होता है आपका बेड जो होता है बच्चों आपका लेथ का बेड वहां से और दो सेंटर के डिस्टेंस क्योंकि सेंटर जो सेंटर होते हैं लाइव सेंटर और डेड सेंटर वो एक ही एक्सिस पर होता है तो बेड के ऊपर से और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर दुगुना कर दें, तो ये क्या बताता है कितना जो बड़ा जो बड़ा जॉब है, इस पर घूम सकता है भाई जॉब बीचों बीच बंधेगा ठीक बीचों बीच बंधेगा तो आधा जॉब नीचे रहेगा आधा जॉब ऊपर तो आधा जॉब जो नीचे रहेगा वो कहां से रहेगा सेंटर डिस्टेंस से और बेड के ऊपर तक तो इसको अगर दुगुना कर दें तो उसको क्या बताएगा कितना बड़ा जॉब कितना लार्ज डायमीटर का जॉब जो है इस पर घूम सकता है क्लियर हो गया इसके इसके अलावा अलावा बच्चों हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड सिंपल जैसे आपका यूके में कहूं बच्चों ब्रिटिश में कहूं मैं या ब्रिटेन में कहूं मैं तो वहां पर जो सेंटर की हाइट है बेड से वो कितनी है इस पर भी डिसाइड होता है साइज स्विंग मैंने आपको बता दिया इसके अलावा बच्चों स्विंग भी अलग अलग प्रकार की होती है मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड जो मैंने आपको बताया था वो मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड है कि बेड के ऊपर कितना लार्ज डायमीटर रोटेट कर सकता है इसके अलावा मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरीज भी होता है कि कैरीज के ऊपर कैरीज के कैरीज के ऊपर अभी मैंने बेड की बात करू बेड के ऊपर कैचो क्या है आपका बेड से ऊपर जो है कैरीज है कैरीज के ऊपर कितने बड़े जॉब को मैं काम कर सकता हूं इसके अलावा मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप अगर आपने एक चीज देखी होगी बच्चों एक चीज देखी होगी आपने जो सामान्य लेथ होती है जो सामान्य होता है लेथ भी अलग अलग प्रकार की होती है कुछ फुल लेथ फुल बेड वाली होती है कुछ में यहां पर गैप होता है अगर आपने देखा होगा तो कुछ लेथों में आपका चक के जस्ट नीचे जो है वो गैप होता है तो मैक्सिमम स्विंग ओवर इस गैप में कितना बड़ा जो जॉब है वो घूम सकता है कितनी बड़ी प्लेट जो है मैं लगा सकता हूं तो वो भी डिसाइड करता हुआ इसके अलावा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ये भी एक पैरामीटर है सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये भी बताता है मेरा कितना बड़ा जो साइज का लेथ बताता है इसके अलावा लेंथ ऑफ बेड बेड की लेंथ बैड की जो लेंथ होती है वो भी मेरा लेथ के साइज को बताता है तो बच्चों यही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कौन जो है लेथ का साइज नहीं बताता है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्विंग ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लेंथ ऑफ बैड या एक कुछ भी कुछ भी ले देगा या एक बोल देगा आपका चक्र का डायमीटर या एक बोलेगा uh, क्या बोलते हैं हाइट ऑफ लेग तो इनमें से कौन सा है हाइट ऑफ लेग पे जो है लेथ का साइज डिपेंड नहीं करता है किस किस पर डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दो सेंटर के बीच से की डिस्टेंस लेंथ ऑफ बेड हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द बेड बेड के ऊपर से सेंटर की हाइट इसके अलावा स्विंग मैंने आपको बता दिया तो इन सब चीजों पर जो है वो लेथ का साइज जो है वो डिपेंड करता है ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों? थैंक यू आज के लिए इतना ही मिलते हैं बच्चों कल